भैया आप मुझे दे रहे हो? कैसा अंकल? थैंक यू वेरी मच। सडनली आउट ऑफ नोवेयर मेरा जो पाइपलाइन है तो पता नहीं क्या हुआ उसको। तो इफ यू हैव एनी कंटेंट आइडियाज जो कि मैं बना सकूं अपने घर के अंदर ही, मेरे को बता करिए कमेंट। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। वेल सो गाइस वेलकम व्लॉग्स बैक एंड गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे व्लॉग। और अभी सुबह का टाइम 4:17 AM और अभी मैं सोचने लगा हूँ कि जो पूरी ये ग्लास है ना, एक्चुअली पूरा ग्लास है, इसमें लगी हुई है फिल्म ताकि जो सनशाइन है वो अंदर ना आए। अब वो सनशाइन क्यों ना अंदर है बता देता हूँ कि भाई जब मैं सुबह सो रहा होता हूँ ना, तो जब मैं आ जाती ना मेरे रूम में सनशाइन, तो मेरे को मेरी नींद खुल जाती है, इसलिए मैंने पूरी लगा रखी है ब्लैक फिल्म। अब मेरा लग रहा है कि यार मैंने थोड़ी गलती करवाई है ब्लैक फिल्म लगवा के, क्योंकि इससे ना बड़ा अजीब लग रहा है मेरा रूम। अगर आप देखो तो वॉल पूरी वाइट है, ब्लू है, देन जो ये ब्लैक है थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कैनवास वगैरह कुछ लगाया जाए, कोई पेंटिंग लगाई जाए, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। या जो मेरा ब्रांड है YPM.com उसकी जो टी शर्ट है यहाँ पे लगा दी जाए, तो अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए। ऑल्सो हम देखेंगे यहाँ पे कोई लगाई जाए बड़ी सी वॉल क्लॉक, यहाँ पे मुझे लगाई जाए बड़ी सी नियॉन साइन, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। एंड जो ये चेयर है ना मेरे यहाँ पे बैठा हुआ, ये है मेरा वर्कस्पेस, जब जब जैसे बन जाएगा ये जो चेयर चली जाएगी उसके रूम में, क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे करके कमेंट की जो चेयर है मैच नहीं कर रही उसके रूम से। तो आई नो डैट थिंक की जो चेयर मैच नहीं कर रही, वो जो चेयर है बड़ी आवाज़ भी कर रही है। आई थिंक जो चेयर है उसमें करवा दूँगा चेंज। अभी क्या सीन है मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस वॉल को कैसे कुछ करा जाए। तो इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ मेरे को बताओ कमेंट। तो अब क्या सीन है, जो ड्राइवर अंकल है ना वो चलाते हैं स्कूटी, एंड वो जो हेलमेट था ना मैंने थोड़े दिन पहले तोड़ दिया था। अगर मैं बोली वीडियो में देखी बताकर बोली क्लिप देखा यार, ये अंकल का हेलमेट जो अंकल यूज़ करते हैं, और ये इतनी गंदी क्वालिटी का हेलमेट है, अंकल से पैंट यूज़ करते हैं इसको बोलने के लिए, हेलमेट यूज़ करते हैं ये क्वालिटी की अंकल हेलमेट यूज़ करते हैं। अब इनको मैं दूंगा बढ़िया वाला हेलमेट, मतलब ये क्या था, छोटे से इम्पैक्ट पे ख़त्म हो गया हेलमेट देखो। तो आई ब्रोक हिज हेलमेट जस्ट बिकॉज कि वो ना जो पहन रहे थे ना हेलमेट, वो किसी काम का था नहीं, वो बस बचने के लिए था पुलिस से कि जो पुलिस है वो चलान ना काटे, जस्ट बिकॉज इसलिए था वो है वाला हेलमेट। तो आई थॉट कि चलो अंकल को एक काम करते हैं, कोई बढ़िया सा हेलमेट मैं देता हूँ, क्योंकि यार जो भी वो पहन रहे उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, वो बस चलान से बचने के लिए। तो आप देखो पूरा आठ लोगों को कैसे मैं करता हूँ आठ लोगों को शार्ट, सो लेट्स गो। तो ऐसे कोई इसमें भी चल रहा है दिल्ली के अंदर एक हफ्ते का कर्फ्यू, जिससे आई कांट गो आउट ऑफ द हाउस। तो कल मैं गया था अंकल के साथ में एक बाइक राइड पे, जिसमें हम बहुत सारे लोग गए थे साथ में। अंकल को मैंने दिया पहले हेलमेट, उसके बाद अंकल जैसे ही घर आए तो मैं बोला अंकल एक काम करो वाला हेलमेट खुद रख लो, ताकि अब जो सेफ्टी है ना वो भी होती रहे, एंड साथ ही साथ भाई जो हेलमेट है उसकी थोड़ी लुक्स है वो भी अच्छी है। एंड फिर मैं हम थोड़ी गए थे लेने के लिए वेजिटेबल्स वगैरह भी, अब उन्हें क्यों नहीं थे बता दिया आज के ब्लॉग में, तो पहले जरा वो क्लिप्स देख कर आओ। तो भी थोड़ी वेजिटेबल शॉपिंग कर रहे हैं हम, पेठा लिया है और टमाटर लेना है, प्याज लेना है और आलू लेने हैं। तो सारी सब्जियां ले ली हैं अभी, 3 किलो अनियन, 3 किलो पोटैटो, पेठा और टमाटर भी ले रहे हैं। तो सब्जी डाल रहे हैं हम स्विगी वाले बैग में। अंकल ये भी ये कब काम आएगा? हाँ भाई ये तो है, गाड़ी में फालती तरह तो नहीं रखना ना? नहीं नहीं हो गया अंकल। हाँ भैया चलो लेट है। तो गाइस अभी अंकल यहाँ पे आ चुके हैं। क्या हाल है अंकल, मजा आया राइड करके? लेकिन अंकल बीच में कहीं रुक गए थे इस चक्कर में कि भाई आप आगे निकल गए हो, थोड़ा सा अंकल नाराज हो गए थे, लेकिन अंकल उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। और ले लो भैया आपका हेलमेट। अंकल ये मैं नहीं लूंगा, आपका जो पहले वाला हेलमेट था हा? वो एक बार तोड़ने पे टूट गया था, टूट गया। बट अंकल ये वाला हेलमेट अच्छा है। अच्छा। और ये बहुत ज्यादा आपको सेफ्टी देगा। तो भैया आप मुझे दे रहे हो? यस अंकल, थैंक यू वेरी मच। और सब बढ़िया? बढ़िया। चलो अंकल एक काम करते हैं, जो दिन में खरीदी थी ना सब्जियाँ, अब जरा उसके काम के लिए चलते हैं, और ये जरा बताते हैं ऑडियंस को कि हमने वो सब्जियाँ क्यों ली थी। चलो चलो। तो अभी मैं आया हूँ ये ब्लाइंड वेलफेयर के अंदर, सब्जी लाए हैं इनके लिए अभी हम। तो यहाँ पे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार जब मैं ज़रूर आता हूँ, एंड मैं इसको शो क्यों कर रहा हूँ बता देता हूँ कि भाई आप लोग मेरे को इतना फोर्स करते हो कि भाई डोनेट किया कर, डोनेट किया कर, तो हमेशा मैं डोनेशन करता हूँ ऑफ कैमरा, बट यू गाइस फोर्स मी एवरी टाइम कि भाई आप दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो यार दिखा दिया। चलिए अंकल 10 बजने वाले हैं भाई, लॉकडाउन शुरू होने वाला है, कर्फ्यू, जल्दी जल्दी घर पहुँचाते हैं, लेट्स गो। तो हफ्ते में ना एटलीस्ट मैं जाता ही जाता हूँ एक बार ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन, जस्ट बिकॉज कि भाई वो लोग बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं। एंड अभी आप लोगों को ना मैंने अपनी घर की छत नहीं दिखाई है ज़्यादा, तो एक काम करते हैं घर की चलते हैं मेरे घर की छत पे, एंड आई विल शो यू कि कैसा वहाँ से व्यू आता है। ऑल दो को ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि रात का टाइम है, एंड चलो जो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी आ चुकी है मेरी छत, यहाँ पर जो ये पूरा गेट है ना ये भी पेंट होना है। तो भाई ये है मेरे घर की अभी छत, यहाँ से करते हैं सारी लाइट्स ऑन, कुछ ऐसी छत है मेरी। एंड अभी मेरे को हो रहा है रियलाइज़ कि भाई मैंने अपना ड्रोन क्यों बेचा, जो भी यहाँ से आते हैं ना व्यू ड्रोन शॉट्स का अमेजिंग आता है यार लिटरली। अभी एम प्लानिंग की जल्दी से कोई ड्रोन बढ़िया सा आया, ओके भाई मैविक एयर 2S आया, बट आई एम वेटिंग फॉर द मैविक प्रो 3, क्योंकि भाई जो मैविक प्रो 2 था ना वो अभी तक बिल्कुल बेस्टेस्ट ड्रोन था,
तो आई वेटिंग फॉर द प्रो थ्री। एंड भाई एक और चीज़ की भाई, आई नो आप लोगों को मेरा घर की लोकेशन थोड़ी बहुत लोगों को पता है, बट प्लीज़ यार कमेंट मत करा करो कि जिससे जो प्राइवेसी होती है ना मेरी वो हार्म होती है, क्योंकि जब पापा मम्मी घर पे होते हैं, जब मैं घर पे नहीं होता ना, तो उनको दिक्कत होती है जब आप लोग आते हो, तो इसलिए मेरे को दिक्कत दिखा था इंस्टाग्राम पे डीएम किया, अगर आप ऐसे मिलने आ रहे हो आपको मैं कुछ समय से रिप्लाई करूँ कि भाई आप इस समय आ सकते हो, बट भाई ऐसे जो कमेंट में ना एड्रेस में रिवील करा करो, बहुत दिक्कत होती है। वो ज़्यादा चलते हैं ऊपर, आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा व्यू आता है, जो भी पूरी सीढ़ी है ये पेंट होनी है, तो चलते हैं एक बार ऊपर। यहाँ पर टैंकी हैं सारी, एंड भी उधर देखो क्लाउड्स कितने हाई लग रहे हैं। एंड लिटरली जब मैं आता हूँ ना सुबह सनराइज़ के वक्त, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, एंड यहाँ से दिखता है टीवी टावर भी एनएसपी का, जो कि भाई अलग ही सुबह सुबह लगता है। एंड गाइस अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है बार बार, पता नहीं बहुत ज़्यादा, कि भाई अपने ड्रोन क्यों बेचा, ये तो इतने बढ़िया से ड्रोन शॉट्स आते हैं। अभी देखो गाइस दिल्ली में हो चुका है अभी लॉकडाउन एक हफ्ते का, वो तो सबको पता ही है, बट मेरे लिए एटलीस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा मुश्किल कि भाई घर में मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, जबकि स्पेशली मैं कर रहा हूँ मैं डेली ब्लॉग्स, तो एटलीस्ट अभी लेके चल रहा हूँ माइंड के अंदर में एक कि भाई मेरे को कम से कम डेढ़ डेली ब्लॉग्स तो करने ही करने हैं, और घर में बहुत डिफिकल्ट है। ट्रस्ट मी भाई, मेरा अभी दुबई ट्रिप है वो भी हो चुका है पोस्टपोन, जो मैंने आर्ट के मॉडिफिकेशन ब्लॉग्स थे वो भी हो चुके हैं पोस्टपोन। तो इफ़ यू हैव एनी कंटेंट आइडियाज जो कि मैं बना सकूँ अपने घर के अंदर ही, मेरे को पता करो कमेंट तो हो गया, और मेरे को कह सकते हो इंस्टाग्राम पर डीएम भी, जो इंस्टाग्राम आइडिया वो है @ypmvlogs। एंड अगर आप मैं चूज करता हूँ आपके वाले कंटेंट होगी आप मेरे को बताते हो, तो आपका जो मैं नाम है लूँगा अपनी वीडियोस के अंदर। एंड एटलीस्ट आई वॉन्ट टू डू एटलीस्ट 150 डेली ब्लॉग्स इन माई चैनल राइट नाउ, बिकॉज लास्ट टाइम जो मेरा बेस्ट बेस्ट था वो था 120-130 के अराउंड, एंड मेरे को भी 150 कम से कम करनी ही करनी है। तो अगर आप सब लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो भाई 150 तो क्या कम से कम 200-300 ही टच कर दूंगा। तो बस कीप सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल YPM व्लॉग्स, क्लिक द बेल आइकन एंड इसे सब्सक्राइब करते रहो भाई एंड सपोर्ट करते रहो। अब ज़रा चलते हैं नीचे कि भाई यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो जो हमारा ये वाला एरिया है अभी बना हुआ है हमारा टेम्परेरी मंदिर, जो मेन मंदिर हमारा वो हो जाएगा रेडी थोड़े से दिनों में, लगभग एक हफ्ता दो हफ्ता जैसे खत्म होगा लॉकडाउन। 6 hours later suddenly out of nowhere मेरा जो पाइपलाइन है तो पता नहीं क्या हुआ उसको, और वो फट गया है। मैं तो वही सो रहा था अच्छे वाला, जो पाइपलाइन है वो फट गया, और वो फिर फटा कि मेरे पापा का जो एसी है ना वो पीछे की तरफ है इस वजह से दीवार के, तो जो उनकी एसी की पाइपलाइन है उसका पानी यहाँ पे कुछ आ रहा था, ऐसा कोई चीज होता है कम को जो टाइल है ना वो तोड़नी पड़ रही है, तो जो पापा का एसी की पाइपलाइन है वो ठीक करनी पड़ेगी, तो वो पूरा ठीक कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, और दो मैं ये लगभग रिज्यूम कर रहा हूँ 5-6 घंटे बाद, तो मशीन बहुत तेज आ रही है। तो अभी ये बेटा कि 5 घंटे इनको हो चुके हैं ऐसे खुदाई करते करते, और अभी कुछ गीजर का पाइप है ये कह रहे हैं वो फटा है, समझ नहीं आ रहा मिल गया ऊपर है कटेगा है, देख अभी आ जाएगा ना, आ जाएगा चलो ठीक। तो भाई ये था पूरा एरिया, यहाँ पे पूरी अभी लीकेज हुई थी यहाँ पर, तो ये इन्होंने चेंज कर दिया है, और यहाँ पे अभी पूरी टाइल है नई लग जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट लीकेज की हुई थी कि भाई हमारे घर में ना जस्ट अभी ही लगे प्रेशर पंप, एंड उसकी वजह से जो गीजर की पाइपलाइन थी वो फट गई, पता नहीं क्यों कैसे हुआ। और अभी जिस मम्मा ने ना बाहर एक तरह से जो पूरा ट्री है ना हमारे घर के बाहर उसके ऊपर मैंने पूरी लाइटिंग करी, पता नहीं पर दिखाता हूँ वो वाला ट्री कि भाई जो लाइटिंग है ना अमेजिंग है। देखो ये बालकनी में डोर है, स्लाइडिंग डोर्स ये आ गया बालकनी में, तो यहाँ पे ये बटन है उसको प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो गया वैकुंठ, ये करूँगा तो ये पूरी ट्री की लाइटिंग मम्मा ने आज ही करवाई है, मेरे को तो बहुत सही लगी पर्सनली है। तो भाई आज मम्मा ने ना पूरी यहाँ पे पेंटिंग लगवाई है, जस्ट लुक एट दिस कितनी रॉयल लग रही है, ये तो मेरा पूरा ड्राइंग रूम है, ये पूरा सामान है, एंड यहाँ पे है कृष्ण भगवान जी की पिक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा ही सही लग रही है। एंड गाइस अभी ना जो पूरा ड्राइंग रूम हमारा धीरे धीरे करके पूरा बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि जब भाई अभी जैसे लग गया कर्फ्यू तो इस चक्कर में जो बहुत सारे काम है वो हो चुके हैं हमारे डेले। एंड गाइस ऑल्सो इफ यू यूट्यूब माई चैनल जल्दी से प्रेस कर दो सब्सक्राइब वाले बटन को एंड प्रेस कर दो बेल आइकन को। एंड भाई एज यू गाइस नो कि भाई मैं को बहुत ज़्यादा पसंद है स्नीकर्स, एंड मेरे को भी एक डील मिल रही है AJ1 ट्रैविस स्कॉट की, जो कि मेरे ड्रीम स्नीकर्स है, एंड उसकी जो मेरे को प्राइस मिल रही है ना इतनी बढ़िया प्राइस मिल रही है, लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में आई कांट गेट दैट प्राइस जो कि मेरे को उसके फिलहाल मिल रहे हैं ब्रांड न्यू डेड स्टॉक के, तो आई थिंक उसको मैं ग्रैब कर लूँ, बट इफ़ आई ग्रैब दैट तो जो पापा एंड मम्मा है ना मेरे को वो बहुत ज़्यादा डांटेंगे, एंड समझ नहीं आ रहा हूँ मैं क्या करूँ कि भाई लूँ या ना लूँ। सो उसको मैं लेता हूँ आपको पता जाएगा वो अपकमिंग ब्लॉग्स के अंदर। तो खत्म करता हूँ आज के ब्लॉग को, यहीं पर मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय एंड गाइस मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, आईडी विल बी ऑन द स्क्रीन, विद दैट सेड बाय एंड स्टे सेफ।